वेलकम टू श्रद्धाज फैशन अप। आज के इस एपिसोड में हम फुल अम्ब्रेला स्कर्ट बनाने वाले हैं। ये फुल लेंथ स्कर्ट है, आपके एंकल लेंथ स्कर्ट है। आप इस तरह से स्कर्ट या लहंगा भी कह सकते हैं, लहंगा भी बना सकते हैं। ये पार्टी वेयर ड्रेस बनेगा। तो इसके लिए दो मेज़रमेंट चाहिए हमें, ये एक वेस्ट की मेज़रमेंट और एक आपको फुल लेंथ की, जहाँ से आपको बेल्ट बांधनी है वहाँ से लेके फुल लेंथ यानी नीचे एंकल लेंथ तक। तो ये आप अपना मेज़रमेंट निकाल लीजिए और उसके बाद जैसे मैंने आपको फुल फ्लेयर स्कर्ट में सिखाया था उसी तरह से हमें यहाँ पे वेस्ट मेज़रमेंट निकालना पड़ेगा। जैसे 33 वेस्ट है यहाँ, आपकी जितनी भी हो उसी तरह से ये कैलकुलेशन करिए कि जितनी भी आपकी वेस्ट है उसमें आपको सीम अलाउंस प्लस करना है। मैंने यहाँ पे 1.5 इंच प्लस किया है। ये अम्ब्रेला स्कर्ट में सिर्फ एक जोड़ आएगा तो इसलिए मैंने सिर्फ 1.5 इंच यहाँ पर सीम अलाउंस किया है। और उसके अलावा 33 प्लस 1.5 कर लिया तो ये 34.5 इंच आ गया। तो उसके बाद हमें जितना भी आपका मेज़रमेंट निकले कैलकुलेशन के बाद उसे आपको 3.14 से डिवाइड करना है। ये आपको मैं पहले भी दिखा चुकी हूँ और फिर से एक बार बता रही हूँ कि जितना भी आपका सीम अलाउंस प्लस करने के बाद मेज़रमेंट आए उसको आपको 3.14 से डिवाइड करना है। तो मेरे मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे 10.8 निकल कर आया है। तो हम इसके हिसाब से अपना सर्कमफ्रांस निकालेंगे, गोलाई निकालेंगे। और टोटल लेंथ जो चाहिए थी मुझे वो 40 इंच चाहिए थी। तो अब उसका मेज़रमेंट देखिए कि टोटल लेंथ जो भी है आपकी उसमें से आपको बेल्ट की लेंथ माइनस करनी है। बेल्ट में 3 इंच की दे रही हूँ तो 40 इंच माइनस 3 आपका 37 प्लस हमें 1 इंच सीम अलाउंस का चाहिए, आधा इंच ऊपर बेल्ट जोड़ने में और आधा इंच नीचे मोड़ने के लिए। तो हमारा टोटल आया 38 बेल्ट निकाल कर। तो बेल्ट अगर आप 2 इंच की रख रहे हैं तो 40 माइनस 2 करिए। तो जितना आपको रखना है बेल्ट की लेंथ उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो टोटल लेंथ हमारी अब 38 आ गई। तो आइए शुरुआत करते हैं। ये मेरा फैब्रिक है, यहाँ मैं ये ब्लैक वेलवेट का, ये डिज़ाइनर थोड़ा सा लुक है इसका, और इसकी मैं स्कर्ट बनाने वाली हूँ। तो ये मेरे पास 2.5 मीटर से थोड़ा सा कम है, 2.25 से ज़्यादा है पर 2.5 से कम है। एग्जैक्ट मेज़रमेंट मैं आपको बता दूँगी इंची टेप से निकाल कर। और जो हमारा कपड़ा है आप इस तरह से समझिए 2.5 मीटर में कुछ इंच ही कम है। तो मैंने यहाँ पर 2.5 मीटर लिख रखा है कि मान लीजिए ये लेंथ है और जो कपड़े की चौड़ाई है वो काफ़ी अच्छी है मेरी, जो कपड़े की ब्रेथ है चौड़ाई है वो है 55 इंच। तो ये काफ़ी अच्छी है। तो इसमें हमें क्या करना है कि जो हमारी लेंथ है इस लेंथ को इस तरह से फोल्ड करके, यहाँ हमें ये ऑन फोल्ड का निशान डाल रखा है मैंने, ये देखिए ये ऑन फोल्डेड है। तो इस तरह से हमें यहाँ से इस तरह से कपड़े को उठा के इस तरह से ऑन फोल्ड करना है और ये हमारा फोल्डेड हिस्सा आ जाएगा। उसके बाद जो हमारा ये खुला वाला हिस्सा है इसे उठा के हमें अपने फोल्ड वाले हिस्से पर रखना है। मैं आपको कपड़े पे करके भी दिखाऊंगी पर मैं पेपर पे पहले दिखा रही थी कि आपको किस तरह से फोल्ड करना है। जो आपकी लेंथ है कपड़े की उसे आप डबल करके हाफ़ कर लीजिए और हाफ़ करने के बाद मैं आपको कपड़े पर दिखाती हूँ। ये देखिए कपड़ा मैंने उल्टी तरफ करके इसे फोल्ड कर रखा है। ये कपड़े की चौड़ाई है, ये देखिए 55 मैंने लिख रखा है। जो कपड़े की ब्रेथ है वो ये है और लंबाई ये है। तो लंबाई में मैंने इसे फोल्ड कर रखा है तो ऑन फोल्ड हिस्सा मेरी तरफ है और खुला हिस्सा उधर की तरफ है। फोल्ड हिस्से की तरफ हमने ये इस तरह से एक पिन लगा लिया है ताकि कपड़ा इधर उधर ना हो। इसी तरह से मैंने इस कॉर्नर में और उस कॉर्नर में और इस कॉर्नर में चारों तरफ से पिन से इसे अटैच कर लिया है ताकि कपड़ा ना हिले। ये लेंथ वाला जो हिस्सा हमने फोल्ड करा था तो इधर से ये ओपन हिस्सा है, इस वाले कॉर्नर को हमें उठाना है और जो हमारा ये फोल्डेड हिस्सा है इस तरीके से उठाकर हमें इस कॉर्नर तक लेके जाना है इस तरीके से और इसे सेट करना है। सारे क्रीज निकाल लीजिए। एक बार मैं फिर बता रही हूँ, ये देखिए ये फोल्डेड हिस्सा था और जो मैं उठा के लाई हूँ ये खुला हिस्सा था। इस खुले हिस्से को हमें ये ट्रायंगल पैटर्न बनाते हुए और इस तरह से कपड़े को सेट करना है। ये मैंने देखिए ये इस तरह से ट्रायंगल फोल्ड कर दिया है और मार्किंग हमें इस तरफ से करनी है। यहाँ ये देखिए ये फोल्डेड हिस्सा था और ये दो
खुले हिस्से हैं, मेरी तरफ ये चार फोल्डेड हिस्से हैं और इधर की तरफ दो फोल्ड और एक हिस्सा खुला हुआ है। ठीक है, तो हमें मार्किंग इसी कॉर्नर से करनी है, ओपन साइड से नहीं करनी है। तो मैं यहाँ से पिन निकाल के अब मैं इस तरह से इसको सेट करके यहाँ लगा रही हूँ और इसी कॉर्नर से अब हमें सारी मार्किंग करनी है। तो हमने जो वेस्ट निकाला था वो हमारा लगभग 10.8 यानी 10.5 इंच के आसपास आया था। तो इस कॉर्नर पर हमें ये इंची टेप रखना है और यहाँ से हमें 10.5 पर निशान लेना है। तो इस तरीके से मैंने ये लगा लिया निशान। फिर इसी कॉर्नर पे रखेंगे और फिर से हमें ये निशान लगाना है। तो हम यहाँ 10.5 पे फिर एक निशान लेंगे और फिर से इसी तरह से राउंड में निशान लेंगे। इंची टेप हमें हमेशा इसी कॉर्नर पे रखना है और फिर से हम यहाँ पर एक 10.5 पे निशान लेंगे। अब इन निशानों को हमें मिलाना है, आप चाहें तो बीच में एक दो निशान और ले सकते हैं। इसी कॉर्नर पे रखें इंची टेप को और 10.5 पे निशान ले लें और ये देखिए ये अब एक सर्कल आ गया, सेमी सर्कल। इसको हम मेजर करके देखते हैं। ये आ रहा है 8.5। 8.5 का मतलब हो गया ये 4 फोल्ड्स है तो लगभग हो गया 33। तो 33 हमें बेस चाहिए थी। और कटिंग करने के बाद मैंने यहाँ पे ये जो वेलवेट का कपड़ा लिया है ये थोड़ा सा स्ट्रेची है, मैंने इसीलिए सीमा अलाउंस बहुत कम लिया है। और आपके पास अगर सिल्क या कॉटन बना रहे हैं जो ज़्यादा ना खींचे तो उसमें सीमा अलाउंस आप 1.5 से 1.75 इंच भी रख सकते हैं। तो अब हम इस मार्क से अपनी लेंथ लेंगे। तो लेंथ लेने के लिए जो हमारा ये कॉर्नर है, तो देखिए ये कॉर्नर है तो यहाँ पर हम इंची टेप रखेंगे और जो हमें लेंथ लेनी थी 38 जो बेल्ट निकालने के बाद, तो हम देखते हैं कितना आ रहा है। ये आ रहा है 36। इसमें मुझे नीचे 2 इंच का लेस अटैच करनी पड़ेगी तब मेरी लेंथ निकलेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कुछ अटैच ना करना पड़े तो आपको मैं एक तरीका और बता देती हूँ। मैं इसमें बिना जोड़ का बनाना चाह रही हूँ तो आप ये देखें, मैं इस तरह से बता देती हूँ। ये देखिए ये यहाँ आ रहा है 38 आराम से, तो इस तरह से ये आप 38 पे एक निशान ले लीजिए। फिर से हम यहाँ टेप रखेंगे अपना और यहाँ से इस निशान को नापेंगे कितना आ रहा है। तो ये आ रहा है लगभग 48.5 से ज़्यादा, 49 से थोड़ा सा कम। तो ये निशान आप देख लीजिए और इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ ये रखना है इंची टेप और इस तरह से इसको निशान लगाना है। ये मैं आपको दोनों तरीका एक ही इस पर बता दे रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से फिर से इंची टेप यहाँ रखना है और इसी तरह से निशान लेते जाना है। ये देखिए यहाँ तक निशान लेने के बाद अब जो हम नेक्स्ट लेंगे ऊपर से इंची टेप आपको वहीं रखना है, हटाना नहीं है। और यहाँ लेंगे तो ये देखिए ये पैनल यहाँ ख़त्म हो गया, ये वाला दो कपड़े इसके पीस हैं। अब हमें ये नीचे वाले पे निशान लेना पड़ेगा इस तरीके से और लास्ट हम यहाँ देख लेते हैं कहाँ आ रहा है। तो ये हमें निशान मिल गया है, अब हम इसको सर्कल कर देंगे। निशान को मिलाते जाइए
आप चाहें तो और पास पास निशान लगा लीजिए, वो सर्कल अपने आप बन जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे ये इतना सा जोड़ आएगा। तो ये कपड़ा जो बचता है कटिंग में, वो हम इसे पलट के यहाँ पे जोड़ लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे ये जोड़ वाला ही बता दे रही हूँ। लेस मैं ऊपर से लगा दूँगी नीचे जॉइन करने की बजाय, तो मैं आपको यहाँ पे ये जोड़ वाली ही बता दे रही हूँ। और अगर आपको बिना जोड़ का चाहिए तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपको लेंथ थोड़ी कम करनी पड़ेगी और उसके लिए यहाँ से आप इंची टेप रखिए और मान लीजिए आपको लेंथ 37 या 38 चाहिए, तो यहाँ से तो आपका कम पड़ रहा है, फिर आपको इस तरफ से निशान लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी लेंथ 35 है केवल, तो आप इजीली यहाँ पे ये निशान लगा सकते हैं 35 पर, और उसके बाद ये 35 यहाँ से पूरे में लगा सकते हैं, और ये फुल सर्कुलर स्कर्ट बिना जोड़ के आपकी तैयार हो जाएगी। डिपेंड करता है कि आपके कपड़े की लेंथ कितनी है। यहाँ मेरा कपड़ा 2.5 मीटर से थोड़ा कम है। अगर आपको बिना जोड़ के बनाना चाहते हैं और आपके कपड़े का अर्ज इतना ही है, 55 इंच ही है, तो आप 3 मीटर कपड़ा लीजिए, उसमें आपका बिना जोड़ का स्कर्ट आराम से निकल आएगा। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। सबसे पहले मैं ये जो हमारा वेस्ट है ये कटिंग कर रही हूँ। उसके बाद जो हमने नीचे निशान लगाया है मैं इस पर कटिंग करूँगी। देखिए कटिंग पूरी हो गई है। अब मैं आपको ये जोड़ का बताती हूँ कि ये जोड़ कैसे लगाना है। तो ये देखिए, जब हम ये कटिंग करते हैं तो ये वाला कपड़ा निकलता है, तो इसे हम इस तरीके से, ये जो सीधा हिस्सा है वो हम इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से, और आप चाहें तो इस तरीके से यहाँ पे पिंस लगा सकते हैं। ये देखिए जैसे ये वाला हिस्सा है, तो पहले हम इसे मिलाएंगे इस तरीके से, और इसे हमें तिरछा वाला हिस्सा ना लेके जो सीधा वाला हिस्सा है वो हमें इस पे रखना है, और इस पे हम यहाँ पर एक पिन लगा देंगे। ओवरलैप करके रखिए क्योंकि सिलाई में जाएगा, तो लगभग 1/2 इंच मैंने ऊपर चढ़ा दिया है और इस तरीके से इसे पिन अप कर दिया। और ऐसे ही मैं यहाँ से ये पिन निकाल के ये अटैच कर देती हूँ इस तरीके से। ये देखिए मैंने 1/2 इंच कपड़ा ऊपर चढ़ा रखा है। और अब जो हमारा ये कपड़ा है एक्स्ट्रा, वो हम नीचे जो हमारी स्कर्ट ऑलरेडी कटिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग हम इस पर इस तरह से, ये देखिए इस तरह से हटाते जाएं और कटिंग करते जाएं। और आपको लगता है आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो आप ऊपर से वापस जैसे हमने पहले निशान लगाया था, मार्किंग ली थी, आप वैसे भी कर सकते हैं। और इस तरीके से ये देखिए करने के बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट रही हूँ, थोड़ा इधर उधर हो, तो ये देखिए ये हमारा बिल्कुल नीचे के अकॉर्डिंग कंप्लीट कटिंग हो गई। तो ये हम जब सिलाई करेंगे तो पहले ये अटैच करेंगे, उसके बाद हल्की सी जो गोलाई में कमी आ रही है वो कर देंगे। तो अब ये मैं आपको खोल के दिखाना चाहूँगी। ये देखिए, ये मैंने आपको खोल के दिखाने के लिए इसको इस तरीके से पूरा पैटर्न ये तैयार हुआ है। ये ऊपर हमारी वेस्ट है और ये इसका पूरा घेर है। तो ये है इसका फुल व्यू, और इसमें सिर्फ एक जोड़ आने वाला है, वो इस साइड आएगा जहाँ हमें ये जोड़ देना है। ये देखिए यहाँ पर ये हमें हल्का सा पीछे ये मैंने कपड़ा लगा रखा था,
ये जोड़ आएगा और इधर से ही ये लेंथ में सिली जाएगी, उधर से जुड़ा हुआ है तो वन जॉइंट आता है इसमें। तो अब हम इसकी बेल्ट कटिंग कर लेते हैं। देखिए जो बचा हुआ कपड़ा है ये मैंने इस तरह से खोल के रखा है और इससे अब हम अपनी बेल्ट निकालेंगे। तो मुझे 33 बेल्ट प्लस आधा इंच सिलाई के लिए चाहिए, 33.5 इंच। तो इस तरह से मैं एक माप ले लूँगी और जो चौड़ाई चाहिए हमें बेल्ट की वो 3 इंच तैयार चाहिए। तो 3 + 3 = 6 प्लस मोड़ने के लिए तो लगभग 7 इंच की चौड़ाई हमें चाहिए। तो 7 इंच पे इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी और इसी तरह से आप 7 इंच पे मार्क कर लें और इसकी कटिंग कर लें। बेल्ट मैंने काट ली है और इस तरह से ये फोल्ड हो जाएगी और फोल्ड होने के बाद ये लगभग आधा इंच आगे और आधा इंच पीछे ये सिलाई में चली जाएगी। तो ये हमारी तैयार 3 इंच बेल्ट आ जाएगी। तो ये मैं फुल इलास्टिक आपको स्कर्ट बता रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बुकरम वाली बेल्ट बताई थी जिसमें मैंने साइड में जिप लगाई थी। तो अब यार इस बार मैं आपको दूसरा मेथड बता रही हूँ, फुल इलास्टिक इन अम्ब्रेला स्कर्ट। तो ये मैं अब स्टिचिंग पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। तो ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा इसका सारा कैलकुलेशन और इसको काटने का तरीका और सिलने का तरीका भी मैं काफ़ी ईजी बताऊँगी। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहा हो फ्रेंड्स तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।